जी मुद्दा आज भी वही है, नियोजन नीति। चूंकि राज्य में सबसे अगर गंभीर मामला है, सीरियस मामला है, तो वो है नियोजन नीति। और आप तमाम मीडिया बंधु को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि नियोजन नीति का हम लोग का आंदोलन को शुरू से सरकार तक पहुंचाने में कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति और परिस्थिति में आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड के तमाम चीज़ें अपने गति के अनुरूप, अपने गति के दर से चल रही है। चाहे जो अगर हम आज जिंदा हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये एग्ज़ाम, स्कूल, कॉलेज, पर्व त्यौहार, कुछ दिन पहले कैलेंडर भी बदले, 2022 से 23 आया, तमाम चीज़ें चल रही है। अगर रुकी हुई है कोई चीज़ तो वह एकमात्र वो है नियुक्ति की प्रक्रिया, नौकरी। और इस मामले पे न पक्ष न विपक्ष कोई भी गंभीर नहीं है, कोई भी सीरियस नहीं है। एक तरफ सत्ता पक्ष जो है कि होली के मौके पर झाल कीर्तन ताल बजा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ के विपक्ष विधानसभा जीत के मौके पर लड्डू मिठाई बांट रही है। मतलब कहा जाता है ना कि बर्बाद गुलिस्ता के लिए बस एक ही उल्लू काफ़ी है, जब हर साख में उल्लू बैठे हो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो राज्य का भविष्य क्या होगा इससे तय कर सकते हैं कि पक्ष विपक्ष सब कोई मिल करके इस राज्य के नौजवानों को दुख तकलीफ को लेकर के कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन सड़क से लेकर सदन से लेकर सभा के माध्यम से हर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार अभी तक सीरियस नहीं रहने के कारण और एक फर्जी रिकॉर्डेड कॉल सर्वे का हवाला देते हुए 60-40 नियोजन नीति ला रही है, जो इस राज्य के लिए दुर्भाग्य है। और कह रहे हैं कि इसमें हमको 7.5 लाख छात्रों में 75% छात्रों ने हमको सुझाव दिया है। कल 75% एक तरह से उसका सर्वे चोरी टाइप से, गोपनीय टाइप से हुआ, उसी का तमाचा और उसी का हमला करने के लिए कल हम लोग डिजिटल रूप में ओपनली, जो पूरा दुनिया देखेगा हमारा कल का ट्विटर अभियान को, और चूंकि अभी डिजिटल का जमाना है, एक फॉर्म भी भरते हैं, कहीं टिकट भी करते हैं, किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, कहीं कोई कॉलेज में दाखिला भी लेते हैं, तो हर चीज़ आज डिजिटल तरीके से हो रहा है। तो आज हम लोग ये सरकार को कल डिजिटल हमला करेंगे, डिजिटल अटैक करेंगे, नियोजन नीति के मामले पर कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। और ये राज्य के छात्र या तो पूरे दुनिया के जो छात्र होते हैं वो एक दीपक की तरह होते हैं जो दुनिया को प्रकाश देते हैं। और आज जितने भी, चाहे हम चाणक्य को आज जानते हैं तो उसका एक छात्र